हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में अपने चल रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स की जो नियुक्ति होती है उसके मेथड्स कौन से हैं, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। संचालकों की नियुक्ति की विधियाँ यानी मेथड्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें जनरली जो नियुक्ति जो होती है, जैसे प्रथम संचालकों की नियुक्ति, कंपनी द्वारा नियुक्ति, संचालक मंडल द्वारा नियुक्ति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा नियुक्ति, अधिकरण के आदेश से नियुक्ति, केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्ति, तो इन सब का अध्ययन अपन करेंगे। सबसे पहले प्रथम संचालकों की नियुक्ति। तो प्रथम संचालक जो है उनकी नियुक्ति के लिए प्रत्येक कंपनी के अंतर्नियमों में उसके प्रथम संचालकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान हो सकते हैं अथवा प्रथम संचालकों के नाम दिए हुए हो सकते हैं। ऐसी दशा में कंपनी के प्रथम संचालक उन्हीं प्रावधानों के अनुरूप नियुक्त किए जाते हैं अथवा वे ही व्यक्ति प्रथम संचालक बनते हैं जिनका नाम अंतर्नियमों में लिखा होता है। यदि अंतर्नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है अथवा प्रथम संचालकों के नाम नहीं दिए हुए हैं तो सीमा नियम के सभी अभिदाता यानी हस्ताक्षरकर्ता जो एकाकी व्यक्ति है वे कंपनी के प्रथम संचालक माने जाते हैं। प्रथम संचालक तब तक संचालकों के रूप में कार्य करते हैं जब तक कि कंपनी की साधारण सभा में विधिवत रूप से संचालकों की नियुक्ति नहीं हो जाती है। एक व्यक्ति कंपनी की दशा में कंपनी का एकाकी सदस्य ही कंपनी का प्रथम संचालक माना जाता है जब तक कि कंपनी के सदस्य एकाकी सदस्य द्वारा विधिवत रूप से संचालकों की नियुक्ति कर नहीं दी जाती है। यहाँ ये ध्यान रखना चाहिए कि इन दिनों में प्रथम संचालकों की नियुक्ति की प्रक्रिया और भी आसान एवं व्यवहारिक हो गई है। वर्तमान में प्रत्येक नई पंजीकृत होने वाली कंपनी को पंजीयन या समामेलन के समय रजिस्ट्रार के पास उन लोगों के नामों की सूची प्रस्तुत करनी होती है जिन्होंने कंपनी के प्रथम संचालक बनने हेतु अपनी लिखित सहमति प्रदान की है। ऐसी दशा में इस सूची में उल्लेखित व्यक्ति कंपनी के प्रथम संचालक होते हैं। दूसरा है कंपनी या सदस्यों द्वारा नियुक्ति। कंपनी के सदस्य समय समय पर संचालकों की नियुक्ति या निर्वाचन करने का अधिकार रखते हैं। सदस्यों द्वारा कंपनी के संचालक नियुक्त या निर्वाचित करने संबंधी कुछ प्रावधान है। जैसे पहला है प्रथम साधारण सभा में नियुक्ति। प्रत्येक कंपनी के सदस्य कंपनी के समामेलन के पश्चात अपनी प्रथम साधारण सभा, वार्षिक साधारण सभा आवश्यक नहीं है, मैं संचालकों की नियुक्ति करने का अधिकार रखती है। इस सभा में नियुक्त संचालक कंपनी के प्रथम संचालक के अधीन नियुक्त का स्थान लेते हैं। इनकी नियुक्ति के साथ ही कंपनी के प्रथम संचालकों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। दूसरा है बारी से सेवानिवृत्ति की शर्त पर नियुक्ति। प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी की प्रथम साधारण सभा में नियुक्त संचालक बारी से सेवानिवृत्त होने संबंधी प्रावधानों या शर्त के अधीन नियुक्त किए जाते हैं। कंपनी प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी के कुल संचालकों में से कम दो तिहाई संचालक प्रतिवर्ष वार्षिक साधारण सभा के समय बारी से सेवानिवृत्त होंगे, किंतु यदि कंपनी के अंतर्नियमों में व्यवस्था हो तो कंपनी के सभी संचालक भी वार्षिक साधारण सभा के समय सेवानिवृत्त हो सकेंगे। यहाँ ये ध्यान रखना होता है कि यदि कंपनी अधिनियम में अन्यथा कोई प्रावधान नहीं होने की दशा में बारी से निवृत्त होने योग्य संचालकों की नियुक्ति साधारण सभा में ही की जा सकती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी भी सार्वजनिक कंपनी के
कुल संचालकों में से कम एक तिहाई संचालक बारी से निवृत्त नहीं होने वाले हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में एक तिहाई संचालक एक निश्चित अवधि के लिए वर्तमान प्रावधानों के अनुसार अधिकतम 5 वर्ष के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं। ऐसे संचालकों की नियुक्ति अंतरनियमों के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की साधारण सभा में की जा सकती है। निजी कंपनियों के संचालकों की नियुक्ति के संबंध में बारी से निवृत्त होने संबंधी प्रावधान लागू नहीं होते हैं। ऐसी कंपनियां अपने संचालकों की नियुक्ति के प्रावधान अपने अंतरनियमों में कर सकती है। निजी कंपनी के सभी संचालक एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम वार्षिक साधारण सभा तथा पश्चातवर्ती साधारण सभाओं में नियुक्ति। बारी से निवृत्त होने वाले कुल संचालकों में से कम एक तिहाई संचालक अनिवार्य रूप से कंपनी की प्रथम वार्षिक साधारण सभा में निवृत्त होंगे। यही क्रम पश्चातवर्ती सभी साधारण सभाओं में चलेगा और कम से कम एक तिहाई संचालक बारी से निवृत्त होने वालों में से प्रत्येक वार्षिक साधारण सभा में निवृत्त होते जाएंगे। यदि निवृत्त होने योग्य संचालकों की संख्या 3 नहीं हो अथवा 3 के गुणक में नहीं हो तो एक तिहाई संख्या के निकटतम संख्या में संचालक बारी से सेवानिवृत्त होंगे। उदाहरण के लिए यदि अमर लिमिटेड में 6 अथवा 7 संचालक बारी से निवृत्त होने योग्य है तो कम से कम 2 संचालक प्रत्येक वार्षिक साधारण सभा के समय बारी से निवृत्त होंगे, क्योंकि ये संख्या एक तिहाई संख्या के निकटतम है। इनके अतिरिक्त निश्चित अवधि के लिए नियुक्त संचालक भी अपना कार्यकाल समाप्त होने पर निवृत्त होंगे। कंपनी के सदस्य संचालकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निवृत्त हुए संचालकों को अथवा नए व्यक्तियों को संचालक के रूप में उसी वार्षिक साधारण सभा में नियुक्त कर सकेंगे। नेक्स्ट है, इसका संचालक मंडल द्वारा नियुक्ति। संचालक मंडल द्वारा नियुक्ति करते समय जैसे अतिरिक्त संचालक, ऐसे संचालकों की नियुक्ति तब की जाती है जबकि कंपनी में विद्यमान संचालकों के अतिरिक्त भी कुछ और संचालकों की आवश्यकता अनुभव की जाती है। दूसरा है वैकल्पिक संचालक। कभी कभी कोई संचालक 3 माह या अधिक अवधि के लिए भारत से बाहर चला जाता है, ऐसे में संचालक मंडल उसकी अनुपस्थिति में उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को संचालक नियुक्त कर देता है। ऐसा संचालक वैकल्पिक संचालक कहलाता है। नेक्स्ट है आकस्मिक संचालक। कभी कभी किसी सार्वजनिक कंपनी द्वारा नियुक्त संचालक का पद उसके कार्यकाल के सामान्य रूप से पूर्ण होने से पूर्व ही मृत्यु, अयोग्यता या अन्य कारण से रिक्त हो जाता है तो संचालक मंडल उस आकस्मिक रिक्तता को भरने हेतु संचालक नियुक्त कर सकता है। नामांकित संचालक। जब कोई संस्था जो वित्तीय संस्था है या अंशधारी सरकार किसी कानून अथवा ठहराव के अधीन किसी व्यक्ति को कंपनी में संचालक पद के लिए नामांकित करती है तो संचालक मंडल उसे संचालक के रूप में नियुक्त कर सकता है। नेक्स्ट है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर नियुक्ति। साधारणतः संचालकों की नियुक्ति कंपनी की सभा में साधारण संकल्प पारित करके की जाती है, किंतु इस विधि से नियुक्त करने से अल्पमत वाले अंशधारियों जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है उनको जो अंशधारी है जो शेयर होल्डर्स है उनको संचालक मंडल में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। अतः ऐसे अल्पमत वाले अंशधारियों को संचालक मंडल में प्रतिनिधित्व दिलाने के उद्देश्य से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के आधार पर संचालकों की नियुक्ति की जा सकती है। कंपनी अधिनियम में
इस सिद्धांत के आधार पर संचालकों की नियुक्ति की एक विधि के रूप में सम्मिलित किया गया है। कंपनी अधिनियम में व्यवस्था है कि कंपनी के अंतरनियम कंपनी के कुल संचालकों में से कम दो तिहाई संचालकों की नियुक्ति आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुरूप करने का विकल्प प्रदान कर सकते हैं। इस विकल्प के अपनाने पर 3 वर्षों में एक बार संचालकों की नियुक्ति की जा सकती है। संचालक मंडल के पदों में आकस्मिक रिक्तता उत्पन्न होने पर इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धारा 161(4) के अनुसार उन पदों को भरा जा सकता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार संचालकों की नियुक्ति करने हेतु मतदान की इसमें विधियां दी गई है। एकल अंतरणीय मतदान प्रणाली, इस प्रणाली में मतदाता अपनी प्राथमिकता अथवा पसंदता क्रम में सभी प्रत्याशियों को क्रम निर्धारित करके मत देता है। इस प्रणाली के अंतर्गत मतदाता को मतपत्र दिया जाता है और उसे प्रत्येक प्रत्याशी के नाम के समक्ष अथवा प्राथमिकता अथवा पसंदगी या वरीयता क्रम लिखने के लिए कहा जाता है। मतदाता क्रमशः अपनी प्राथमिकता या पसंदगी 1, 2, 3 आदि संख्याएं प्रत्याशी के नाम के सामने लिखकर निर्धारित कर देता है। जो मतगणना करने से पूर्व प्रत्याशियों की जीत के लिए एक निश्चित मत संख्या जिसे कोरम बोलते हैं या कोटा बोलते हैं निर्धारित की जाती है। इस कोटा को निर्धारित करने का एक सूत्र है। कोटा सूत्र में यह है कि जो कुल मतदान है उन कुल मतदान में जितने पद है उसमें 1 जोड़ करके उसका भाग दे दिया जाता है प्लस 1, यानी कुल कोटा बराबर कुल मतदान अपॉन पदों की संख्या प्लस 1 ब्रैकेट बंद प्लस 1। जो सदस्य कोटा द्वारा निर्धारित मत प्राप्त कर लेते हैं वे चुने हुए संचालक माने जाते हैं। उदाहरण के लिए किसी कंपनी में 5 संचालकों का निर्वाचन होता है एवं 8 प्रत्याशी खड़े हुए हैं। कुल मतदान 1500 सदस्यों ने किया है। ऐसी स्थिति में जीत के लिए मतों की संख्या का कोटा निर्धारित होगा। कुल मतदान 1500, पदों की संख्या 5 प्लस 1 प्लस 1, तो टोटल मत चाहिए जीतने के लिए 251। इस प्रकार जिन प्रत्याशियों को 251 या अधिक मत प्राप्त होंगे वे ही विजय होंगे। उसके अतिरिक्त जो होगा वो उनकी जीत नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट है संचयी मतदान प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत एक अंशधारी को एक अंश पर उतने ही मत देने का अधिकार होता है जितने स्थानों के लिए चुनाव हो रहा है। उदाहरण के लिए एक कंपनी में 4 संचालकों का चुनाव किया जा रहा है तथा इस अंशधारी के पास 100 अंश है। वह एक व्यक्ति के पक्ष में ही 100×4 400 मत देने का अधिकार रखता है। ऐसा करने से अल्पमत वाले अंशधारी कम से कम अपना एक संचालक नियुक्त करवाने में अवश्य सफल हो जाते हैं। नेक्स्ट है अधिकरण के आदेश से नियुक्ति। किसी कंपनी के विरुद्ध अन्याय या कुप्रबंध के मामले की सुनवाई एवं निर्णयन के दौरान अधिकरण निम्नांकित में से कोई भी आदेश दे सकता है। जैसे यह आदेश द्वारा वह रीति प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है जिसके अनुरूप कंपनी के विद्यमान प्रबंध संचालक अथवा प्रबंधक को हटाकर नए प्रबंध संचालक या प्रबंधक की नियुक्ति की जाएगी। नेक्स्ट, वह जितने उचित समझे उतनी संख्या में व्यक्तियों को संचालक पद पर नियुक्त करने का आदेश दे सकता है तथा उन्हें निर्देशित मामलों पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए कह सकता है। अधिकरण के ऐसे आदेश के पश्चात
कंपनी को निर्धारित संख्या में निर्धारित की गई रीति से संचालक नियुक्त करने पड़ते हैं। केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्ति, कभी कभी किसी कंपनी के संचालक अपने पद से त्याग पत्र दे देते हैं अथवा सभी संचालकों में अयोग्यता उत्पन्न हो जाने के कारण उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कंपनी का कोई प्रवर्तक नहीं है तो केंद्रीय सरकार को आवश्यक संख्या में संचालक नियुक्त करने पड़ते हैं। ऐसे संचालकों का कार्यकाल तब तक बना रहता है जब तक कि कंपनी की साधारण सभा में संचालकों की विधिवत नियुक्ति नहीं हो जाती है। तो ये संचालकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है, विधियां हैं। आज के लिए इतना ही है।